देखो, जहाँ प्रीवियस क्लास हम लोग कल ओवर किए थे, हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग क्वेश्चंस बात कर रहे थे कि ये आपका एक सर्कल है जिसमें के अंदर एक छोटा सा सर्कल है, और आपको इस छोटे वाले सर्कल के ऊपर में निशाना लगाना था। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि निशाना लगेगा? तो हम लोग क्या कर रहे थे कि सबसे पहले हम लोग टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया मतलब बड़े वाला सर्कल का एरिया, और उसमें से देखेंगे कि छोटे वाला सर्कल का एरिया क्या है। तो आप उसको ऐसे लिख दीजिए, पाई कैपिटल आर स्क्वायर टोटल, और फिर ऊपर लिखेगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, कैपिटल स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर आपका कितना है, 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे आएगा 28, कैंसिल। 7 से 28 कितने बार में, 4 बार में, 4 बार में, मतलब 1/16। उसमें निशाना लगने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/16 है। इस तरह से फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो भी प्रोबेबिलिटी आप लोग निकाल लोगे। चलिए अब एक चीज़ पर डिस्कस करते हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट और एटमोस्ट, कितने लोग इसमें से लूडो खेले हो? जो लूडो खेला होगा वो एकदम आराम से समझ जाए कि एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है। तो क्या है ना कि मान लिए कि हम आपको एक कंडीशन देते हैं, ठीक है, जैसे मान लिए कि आप चाल चलने वाले हैं, लीडो तो जान ही रहे हो कि तुम्हारा कुछ स्क्वायर शेप में होता है, इस तरह से ऐसा होता है ना, यहाँ पे चार, एक फिर ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ पे ऐसे रहता है, ठीक है, और बाकी सब तो ऐसे घर रहता है, ठीक है, रहता है ना। मान लिया कि आखिरी गोटी है और तुम यहाँ पे निकल गए, यहाँ पर तुम्हारा गोटी बैठा हुआ, एक ही गोटी है तुम्हारे पास, एक, सिर्फ एक, और तुम्हारे सामने यहाँ पे एक गोटी है जो तुम्हारे अपोजिशन का है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। अब तुम क्या बोलते हो, कितना आना चाहिए, 3 3, 1 2 3 आना चाहिए ना, 4 तो यहाँ पे होगा, ऐसे चलिए ये 4, कितना आना चाहिए, 3 3 3 3 3, नहीं तो 2, नहीं तो 1, 1 आ जाए तो भी सही है, 2 आ जाए तो भी सही है, 3 आ जाए तो बहुत सही है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट 3, अगर 4 आ गया तो फिर आप यहाँ पे आ जाओगे और फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा, 5 आ गया तो फिर दिक्कत, 6 आ गया तो भी। तो आप दुआ करते हो कि एटमोस्ट 3 आए, एटमोस्ट 3 आए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 आए, 3 आए, 2 आए, 1 आए, 0 हो जाए चलवे नहीं करेंगे हम, छोड़ दीजिए, 0 तो खैर नहीं आ सकता, लेकिन 3 या उससे कम, ये समझ में आ गया। एटमोस्ट का मतलब कि एटमोस्ट अगर 3 बोलेगा तो 3 2 1, अगर 0 रहता तो 0, कहेंगे कि एटमोस्ट 2 लड़के आओगे कॉपी चेक कराने एक बार में, मान लिया कि बोले, या बोलेंगे क्या कि कंप्यूटर है लैब के अंदर, कंप्यूटर लैब है, एक कंप्यूटर पर एटमोस्ट 3 बच्चे बैठोगे, तो मतलब कि 3 बैठ सकते हो, 2 बैठ सकते हो, 1 बैठ सकते हो, या कोई नहीं बैठ सकते हो, वो कंप्यूटर खाली रहेगा, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं, तो एटमोस्ट का मतलब वो होता।
अब एटलीस्ट वाला भी आपको हम लीडो के ही भाषा में समझाते हैं। अब क्या हुआ कि किसी कारण से आज इसका भी ये जो गोटी वाला था ना, जो अपोजिशन, अब वो यहाँ चला आया, यहाँ पे बैठा हुआ अभी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बैठा हुआ, फिर ऐसे है, आप जान ही रहे ऐसे होता है, यहाँ दो घर होता है, फिर ऐसे होता है, फिर यहाँ से इसका घर के अंदर चल जाता है, यहाँ पे तुम्हारा कोई एक दूसरा पार्टी उसका जो है पीछे लगा हुआ है। अब ये जो दुआ करता है, कितने नंबर का दुआ करता है, घर के अंदर जाना, इसको चार का दुआ करता है, कम से कम चार आ जाए, कम से कम चार, चार चार एटलीस्ट फोर, चार आएगा तो 1 2 3 4 अंदर घुस जाएगा, पांच आ गया तब तो और अच्छा है, छः आ गया तब तो और अच्छा है, तो एटलीस्ट फोर, एटलीस्ट कहे एटलीस्ट चार आ जाए, एटलीस्ट चार आ जाए, एटलीस्ट चार आ जाए, एटलीस्ट चार, कम से कम चार, चम से चम, अब मन में सोचते रहेगा उसी में आ जाएगा दो, हो गया गड़बड़, फिर फेवरेबल कंडीशन नहीं ना, एट मोस्ट और एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम वो नंबर, नहीं तो उससे ज़्यादा। एक आदमी को कंधे देने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होती है, चार, एटलीस्ट चार, चार हुआ तब तो ठीक है, चार से ज़्यादा हुआ तो और ठीक है, लेकिन तीन हुआ तो ठीक है ना, तो एटलीस्ट और एट मोस्ट, इसमें डाउट नहीं ना होगा। कभी कभी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि सर एटलीस्ट थ्री है, तो क्या थ्री को लेना है कि थ्री को छोड़ना है, आप बताइए, एटलीस्ट थ्री है तो थ्री को लेना है कि थ्री को छोड़ना है, लेना है, और उससे कम को लेना है ना, ओ जा एटलीस्ट तो थ्री लेना है या थ्री से ज़्यादा लेना है, और एटमोस्ट थ्री रहेगा तो थ्री लेना है या उससे कम लेना। अब मान लिए कि एक डाइस को थ्रो किए और एटलीस्ट थ्री आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट थ्री, एक डाइस को थ्रो किए और जो आउटकम होगा वह एटलीस्ट थ्री होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, गलत है। देखिए पहले तो हम बनाते हैं टोटल आउटकम, 1 2 3 4 5 6, एटलीस्ट थ्री होना चाहिए, इसका मतलब 3 4 5 6 ये सब होना चाहिए, तो कितना हो गया, 4/6, 2/3 है ना, एटलीस्ट, एटमोस्ट 5 होना चाहिए, एटमोस्ट 5 होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5, तो 5 4 3 2 1 यहां से ऐसे, तो हम लोग लेंगे 5/6 है ना, एटमोस्ट और एट लीस्ट, ये क्लियर है। चलिए अब कुछ हम लोग स्पेशल टाइप का क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, इसमें तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे एक कार्टून है या एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर में बल्ब रखा हुआ है, 200 बल्ब रखा हुआ है, जिसमें से 10 जो है वो डैमेज है, एक बॉल को सेलेक्ट किया गया रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बॉल इज नॉट डैमेज, कितना होगा, क्वेश्चन बोले हैं, एक बॉक्स के अंदर में 200 बल्ब है जिसमें से 10 डैमेज है, रैंडमली हम एक बॉल को बल्ब को बॉल नहीं बल्ब को सेलेक्ट किए और वो डैमेज नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहले लिखेंगे टोटल बल्ब तो है 200, उस 200 में से नॉट डैमेज कितना है, 190, तो 190/200, सिंपल सा है, उसी तरह से एक बैग के अंदर बॉल है, इस तरह से क्वेश्चन तो आप बना सकते हो,
एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स है, एक लड़के को प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है या लड़की की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, या इवन आपको और भी बहुत सारी चीज़ बताएं कि अगर मान लें कि आज रेन होने की प्रोबेबिलिटी 1.5 है, ट्रू है कि फॉल्स स्टेटमेंट है? आज रेन होने की जो प्रोबेबिलिटी है 1.5 है, तो ट्रू की फॉल्स? फॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग आज बात करते हैं क्वाइन पे। पहले क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, फिर डाइस से करेंगे और फिर प्लेइंग कार्ड से करेंगे, फिर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी पूरा डिस्कस कर लेंगे। पहले अगर आप टोटल आउटकम्स की ही बात करना, अगर एक क्वाइन को फेंकोगे टोटल आउटकम कितना होगा? दो को फेंकोगे तो टोटल आउटकम 4, और 3 को फेंकोगे तो 1 को फेंके तो 2। एक क्वाइन है, एक क्वाइन को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो जो आउटकम आएगा आइदर हेड आएगा और टेल आएगा। तो अगर मेरे पास एक क्वाइन है तो ये क्वाइन का जो फेस देखोगे यहां पे, तो या तो हेड आपको नजर आएगा या तो टेल नजर आएगा, तो टोटल 2 आउटकम हुआ। लेकिन आपके पास 2 क्वाइन है, यहां पे यहां पे, अब ये टोटल कितने डिफरेंट तरह का आउटकम हो सकता है? 4 हो सकता है। कैसे? तो हो सकता है कि इस पे हेड, इस पे भी हेड, या इस पे हेड, इस पे टेल, या इस पे टेल, इसमें हेड, या इसमें टेल, इसमें भी टेल। 2 क्वाइन देखिए, और कोई डिफरेंट तरह का आउटकम हो सकता है तो बताइए। उसी तरह से अगर 3 क्वाइन है तो टोटल आउटकम कितना? 8 होगा। एक क्वाइन का आउटकम कितना होता है? 2, तो टोटल आउटकम होगा ना, एक क्वाइन का आउटकम होता है 2, नंबर ऑफ क्वाइन कितना है? 1, तो टोटल आउटकम हो गया 2 to the power 1, मतलब कि 2। एक क्वाइन का आउटकम 2, नंबर ऑफ क्वाइन कितना है? 2, पावर दे दो यहाँ 2, 2 का पावर 2, टोटल आउटकम कितना हुआ? 4। एक क्वाइन का आउटकम 2, और टोटल टोटल क्वाइन कितना बोले? 3, तो टोटल आउटकम कितना होगा? 6 2 का पावर 3, 8। अब 8 आउटकम बनाना है, तो बनाने के लिए हम आपको सिंपल सा आइडिया बता देते हैं। पहले तो 3 वो क्वाइन बनाना ही होगा, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि यहाँ पे ये तो पता चल गया, तो टोटल आउटकम कितना होगा? 8। तो यहाँ पे पहले ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे बन गया ना। अब हमको दिखाना है डिफरेंट डिफरेंट तरह का सैंपल। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा है? टोटल कितना है? 8 ना, 8 का हाफ कितना होता है? 4। तो इसमें से पहले 4 हेड लिखिए, हेड 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 हेड, और फिर 4 टेल लिखिए, टेल 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 टेल, फिर 4 का हाफ कितना होता है? 2। तो आप यहाँ पे 2 हेड लिखिए, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, और फिर 2 का हाफ 1। एक हेड लिखिए और एक हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड
टेल। टोटल आउट 8 आउटकम हम बना दिए, और आप कोई डिफरेंट तरह का सोच सकते हो तो सोच के बताओ, बैठ के आप सोचिएगा। उसी तरह से अगर हम 4 क्वाइन लें तो टोटल आउटकम 16 टू का पावर, मतलब कि 16 आउटकम बनेगा। तो फिर इस तरह से बॉक्स देखो, एग्जाम में आएगा तो ऐसा बॉक्स उक्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा आउटकम ही दिखाना है ना। तो अब टोटल 16 बनाना है तो सबसे पहले क्या करना कि ऐसे लिखना, 8 हेड लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 8 क्या लिखना, टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर क्या लिखोगे, 4 हेड, 1 2 3 4, फिर 4 टेल, फिर 4 हेड, फिर 4 टेल, फिर उसके बाद जस्ट आधा करो 2, तो फिर 2 हेड और 2 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, और 2 का हाफ 1, 1 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक कॉइन रहेगा, 2 कॉइन रहेगा, 3 कॉइन रहेगा या 4 कॉइन रहेगा? एग्जाम में 4 कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है ना, शायद पूछा जाएगा। अगर टोटल आउटकम पूछा जाए तो सीधा सा फॉर्मूला आपको हम बता दिए, ठीक है। अब अगर मान लिए कि बोला जाए कि 1 कॉइन इज टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, गेटिंग टेल 1/2, 2 क्वाइन आर टॉस, 2 क्वाइन आर टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड 1/4, एग्जैक्टली 2 हेड मतलब दोनों पे हेड होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों पे हेड मतलब एग्जैक्टली यही पे ना दोनों हेड है, एटलीस्ट 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट का मतलब कि एक होना चाहिए या दो होना चाहिए, तो 2 है तो चलेगा, एक है तो चलेगा, एक है तो चलेगा, तो 3/4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होना चाहिए, कितना, एटमोस्ट 2 टेल, तो एटमोस्ट का मतलब कि 2 होना चाहिए, एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो 2, देखिए 2 होना चाहिए, एटमोस्ट कितना बोले थे, एटमोस्ट 2, तो 2 होना चाहिए, एक होना चाहिए, 4:4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट बोले थे ना, तब तो सब में है, एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ, 2 यहां है, एक भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, और 4:4 प्रोबेबिलिटी कितना 1, आपको पता है कि एटमोस्ट 2 हेड ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, समझ में आया। अगर 3 क्वाइन है
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मान लें कि देखा हुआ है कि वी टॉस थ्री क्वाइन, हम लोग तीन क्वाइन को एक साथ टॉस किए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू हेड, एग्जैक्टली टू हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है तीन क्वाइन में? वन टू थ्री, थ्री थ्री बाई एट एग्जैक्टली, यहां पे है दो हेड, यहां पे है एट लीस्ट वन हेड, कम से कम वन हेड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड, तो एक होना चाहिए, दो होना चाहिए, तीन होना चाहिए, तीन है चलेगा, दो है चलेगा, एक है चलेगा, दो है चलेगा, एक है चलेगा, चलेगा चलेगा चलेगा, सिर्फ ये नहीं चलेगा. तो सेवन इज टू एट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट टू टेल, एट मोस्ट टू टेल, ज्यादा से ज्यादा दो टेल, कितना? सेवन बाई एट. दो टेल का मतलब कि दो टेल होना चाहिए, वन टेल होना चाहिए या जीरो टेल होना चाहिए, तीन टेल नहीं लेंगे, बाकी ऊपर का सब लेंगे. क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? एटलीस्ट और एटमोस्ट, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा आपको क्वाइन से रिलेटेड में, तीन नंबर में. और कंफ्यूज नहीं होना, एटलीस्ट बोलेगा, एटमोस्ट बोलेगा या एग्जैक्टली बोलेगा, समझ में आया? अब जैसे आपके बुक में है, हाँ देखो, डाइज नहीं, डाइज नहीं, क्वाइन, क्वाइन से रिलेटेड इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं दिया हुआ क्वेश्चन, ऐसा भी अगर आपको कहीं मिले तो आप उसको थोड़ा सा देख लोगे, ठीक है ना? यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना? चलिए, तो एटलीस्ट और एटमोस्ट में किसी को डाउट नहीं है. अब चलो हम लोग बनाते हैं डाइस का, डाइस मतलब पासा. अगर हम एक डाइस को फेंकेंगे तो टोटल आउटकम कितना होता है? सिक्स. और दो डाइस को फेंकेंगे तो, अभी ना फॉर्मूला हम बताएं आपको कि एक डाइस को फेंकेंगे तो सिक्स, तो दो डाइस को फेंकेंगे तो सिक्स का पावर टू. सिंपल सा याद रखना है, एक डाइस तो सिक्स. अब सिक्स आउटकम क्या हो सकता है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. अगर दो डाइस है तो सिक्स का पावर टू, सिक्स का पावर टू कितना हो गया? 36. तो 36 आउटकम आपको बनाना है, तो कैसे होगा? तो अगर हम ऐसे लिखेंगे वन 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 टू वन थ्री, अब तो आप गेस कर ही सकते हो क्या लिखेंगे, वन फोर वन फाइव वन सिक्स, फिर टू वन टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स, फिर क्या हुआ? थ्री वन थ्री टू
थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स, फिर उसके बाद फोर वन फोर टू फोर फोर वन, फिर यहाँ पर कर देते हैं फाइव वन सिक्स वन, फिर फोर टू फाइव टू सिक्स टू, फिर फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स थ्री, फिर फोर फोर फाइव फोर सिक्स, फिर फोर फाइव फोर सिक्स, फाइव 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 सिक्स, फाइव सिक्स सिक्स। चलिए इसमें से कुछ समझ लीजिए, पहले इसी को पहले समझते हैं। इसका प्राइम नंबर कौन कौन सा है? प्राइम नंबर आपको पता है ना, प्राइम नंबर वन प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर आपको बोलेगा तो टू थ्री फाइव, मल्टीपल ऑफ थ्री थ्री और सिक्स, ठीक है ना। इवन नंबर टू फोर सिक्स, ऑड नंबर एटलीस्ट एटमोस्ट तो पता ही है, ठीक। उस तरह से अगर आप डबल क्वाइन की बात करें, मतलब डबल डाइस की बात करें, दो डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं, टोटल यहां पे आपका आया 36 आउटकम। इसमें से वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स को हम डबलेट कहते हैं। डबलेट, डबलेट मतलब जो सेम को रिपीट कर रहा, ठीक। यहां सम ऑफ डिजिट कितना है? सम ऑफ नंबर टू थ्री फोर फाइव। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि जो सम होना चाहिए, मान लिया 10 होना चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर बी 10? तो आप सोचिए कि सम ऑफ नंबर 10 कहाँ कहाँ होगा। तो 10 कहाँ कहाँ होगा? तो 4 6 5 5 6 4, 3 to 36, 1 by सम ऑफ गेटिंग नंबर, जो भी नंबर आया उसका सम। तो सम मतलब ये दोनों का बात कर रहा, जोड़ करके। डबलेट मतलब जो दोनों सेम हो, क्लियर। तो अब इससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन रहे, जैसे देखिए हम आपको क्वेश्चन इसमें था कुछ, अ डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को फेंकना है। जैसी क्वेश्चन है अ डाइस इज थ्रोन, पहले आप ये आउटकम बना दीजिएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कितना है इसमें? टू थ्री फाइव, टोटल थ्री, थ्री बाई सिक्स। फिर करा अ नंबर लाइंग बिटवीन टू एंड सिक्स, दो और छः के बीच में, बीच बोल रहा है, तो बीच बोल रहा है, तो आप ये दो लीजिए और ये छः लीजिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए, और दोनों के बीच में कौन है? थ्री फोर फाइव, तो थ्री बाई सिक्स। बिटवीन कहेगा तो फिर आपको दोनों नंबर को छोड़ना होगा, ठीक है। उसी तरीके से दिया हुआ है एन ऑड नंबर, तो वन थ्री फाइव, तो फिर तीन नंबर थ्री बाई सिक्स। फिर दिया हुआ है दो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आप देखोगे। क्वेश्चन नंबर 22
सम ऑन द टू डाइस, सम ऑफ द टू डाइस दिया हुआ पहले टू, सम टू होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, यहां पे टू आया ना, और कहीं पे टू है, तो 1/36, थ्री का देखो यहां पे थ्री आया, यहां भी थ्री आया, तो 2/36, फोर का 1, 2, 3, 3/36, फिर आएगा आपका 5 का 4/, फिर 5 आ गया, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, लास्ट 12, मैक्सिमम 12 होगा, वो दिया हुआ है, आप इसको बना सकते हो। एक चीज़ देखना कि पहले आपका ऐसे आएगा 1/36, फिर आएगा 2/, फिर 3/, फिर और फिर आ गया ना, और फिर आप पीछे चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आ गए, और 6 के बाद फिर चलिएगा तो 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36, सम 2 होना चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सम ऑफ ऑल आउटकम कितना होता है 1, कल बताया ना कि सम ऑफ ऑल आउटकम, तो ये सब जोड़ करके जैसे 1, 2 कितना हुआ 3, 6, 10, 15, 21, 26, 30, 33, 35, 36, मेरा सही है, समझे, दो डाई से रिलेटेड समझ में आ गया। चलिए प्रोबेबिलिटी में ऐसा कोई खास क्वेश्चन आपके पास इस बुक में दिया हुआ नहीं है, फटाफट हम कुछ ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, आप भी पता होगा कि अगर दिया हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, दोनों का सम कितना होता है 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, कोई ऐसा इवेंट बताए जिसका मतलब कोई ऐसा इवेंट जिसके होने का चांस नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होता है 0, और उसको क्या कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन, एकदम श्योर है होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1, और उसको हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, जितना भी एलिमेंट्री इवेंट है उन सब का सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, द प्रोबेबिलिटी जो होता है किस नंबर से बड़ा या बराबर होता है और किससे छोटा या बराबर होता है, तो प्रोबेबिलिटी जो आता है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1, ये आपका प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। अब दिया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली टू आउटकम, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, इक्वली इक्वल चांस है नहीं, कोई गाड़ी आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट होगा और स्टार्ट नहीं होगा, दोनों का बराबर चांस नहीं है, क्या आप ऐसा मानते हो कि अगर मेरे पास नया गाड़ी है तो हम जानते हैं कि स्टार्ट मारेंगे तो स्टार्ट हो ही जाएगा, ये परफेक्ट है, उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा चर है कि वो स्टार्ट हो जाएगा, इक्वली का मतलब कि 50% चांस है कि स्टार्ट होगा और 50% चांस है कि स्टार्ट नहीं, तो क्या नीचे जो गाड़ी लगा हुआ है मेरा तो ये ऐसा कंडीशन है कि हम जाएंगे स्टार्ट करेंगे तो शायद वो स्टार्ट होगा या नहीं होगा, नहीं, हम लोग कहते हैं कि ज़्यादातर चांसेस है स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ख़राब हो गया है और फिर कोई तुम्हारा फ्रेंड कहता है कि लाओ हम भी अटेम्प्ट लेते हैं तो उसके दिमाग में चलता है ज़्यादातर चांसेस तो है कि स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन कोशिश करते हैं, अगर स्टार्ट हो गया तो ये इक्वली
बोलते हैं ना इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है. अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, एक बास्केटबॉल पे प्लेयर फेंकता है, ठीक है ना, सी ही शूट और मिसेस द शॉट, वो शूट करेगा या मिस करेगा, इक्वल है, या तो होगा या तो नहीं होगा. लेकिन वहां भी फिर वही बात है, होगा या नहीं होगा, लेकिन क्या 50-50% चांस है? 50-50% चांस नहीं है. कैसे आप ऐसा कह सकते हो बताओ? आप इस बात को कैसे कह सकते हो कि वहां पे 50-50% चांस नहीं है? प्लेयर अच्छा है कि नहीं है, ठीक है, प्लेयर पे डिपेंड करता है. प्लेयर अगर बहुत अच्छा है तो ज़्यादातर चांस है कि हो जाएगा, और हम लोग जैसा अनाड़ी है तो हो सकता है 100 बार फेंके गए तो 100 में 100 बार भी नहीं हो, तो ये इक्वली चांसेस नहीं है. अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है ट्रू और फॉल्स, उसका एक ही आंसर हो सकता है, या तो ट्रू या तो आपका आंसर सही या गलत होगा, इसका क्या चांसेस है? 50-50% चांस है कि दो में से एक ही चांस है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो ये ठीक है. अ बेबी इज बॉर्न, इट्स बॉय और गर्ल, लड़का होगा या लड़की, इसका चांस क्या है? 50-50 है ना. अब ऐसा नहीं है कि किसी को बच्चा होने गए और पहले ही बोल रहे हैं, नहीं, हम जानते हैं ना लड़के का चांसेस 80% है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, समझे, उसमें इक्वली होता. दिया हुआ वाई इज टॉसिंग अ क्वाइन कंसीडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट बैट, क्वाइने को काहे फेंकते हैं, क्योंकि दोनों में इक्वल चांस होता है, 50-50 रहता है, दोनों में दोनों का विन करने का या दोनों का लॉस करने का जो प्रोबेबिलिटी होता है इक्वल होता है, किसी का कम या किसी का ज़्यादा नहीं होता. विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कौन सा प्रोबेबिलिटी है और नहीं है बताते जाइए. तो 2/3 है, 4/7 है, अगर नीचे ज्यादा ऊपर कम है तो प्रोबेबिलिटी तो हो ही सकता है, तो ठीक है. -2/5 नेगेटिव नहीं होता, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होता, तो ये नहीं है. उसी तरीके से -0.5 नहीं होगा, 3.2 नहीं होगा ना, नहीं होगा, 3.2 भी प्रोबेबिलिटी, तो फिर जानते हो तुम लोग कैसे बोलते हो, जैसे कोई बोलता है कि आज बारिश होगा या नहीं होगा, कभी कभी जानते हो ना हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं, और कभी कभी हम लोग बात करते करते बोलते हैं ना 200% चांस है मेरा पास होने का, ऐसा कोई सेंटेंस बोले हो 100 से बढ़ा के 101%, 101% चांस है इंडिया जीतेगा, 200% चांस है इंडिया जीतेगा, 200% जैसे ही बोले कि इंडिया जीतने का चांस है 200%, तो इसका मतलब कि आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो. 200% का मतलब क्या हो गया कि 100 में 200, अब 100 में कोई 200 ले आया तो वो इनवैलिड हो गया ना, आप फ्रॉड हो, फिर वो प्रोबेबिलिटी नहीं है. हाँ, 100 में बोलते 99.99999% चांस है इंडिया जीतने का, वो मान लेते हैं, 100 में 100 बोलता मान लेते हैं, 100 में 101.1 बोल दोगे वो नहीं मानेंगे, समझिए, नहीं माना जाएगा. तो यहाँ पर दिया हुआ 2/3 है, -1.5 नहीं है, 15% ऑफ 15/100 है, 0.7 मतलब 7/10 है. एक प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है पीई 0.0
0.05, जैसे मान लेके दिया हुआ पी ई 0.05, तो नॉट ई कितना होगा 0.95. तो हम लोग ऐसे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ई इक्वल्स टू 1. तो प्रोबेबिलिटी नॉट ई 1 माइनस 0.95. आसान सा क्वेश्चन है. इट इज दिया हुआ ए बैग कंटेन 11 फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली मलिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग विच द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट. दिया हुआ है कि एक बैग के अंदर में सिर्फ लेमन फ्लेवर का कैंडी डाला हुआ है, सिर्फ लेमन. मालिनी जो है बिना देखे हुए बैग के अंदर हाथ डालती है और एक कैंडी को निकालती है. ऑरेंज फ्लेवर कैंडी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर तो उसमें है ही नहीं. और लेमन फ्लेवर कैंडी होगा, कोई भी निकालेगे सिर्फ लेमन फ्लेवर तो निकलेगा ही. दिया हुआ है कि इट इज गिवेन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम नहीं होगा, वो है 0.992. नहीं बर्थडे, सेम बर्थडे नहीं होने का. तो सेम बर्थडे होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1 माइनस 0.992. होने का नहीं होने का दिया हुआ है, तो होने का निकालना है, तो 1 में से उतना माइनस कर दो. तो 0.992, 1 माइनस 0.992 कितना हुआ? 0.008. हैं? 0.008. एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, टोटल कितना बॉल हो गया? 8. रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3/8. नॉट रेड मतलब ब्लैक की बात कर रहा है, नॉट रेड का मतलब क्या हुआ? ब्लैक, ठीक है ना. कहेंगे कि इस क्लास में लड़के नहीं आने चाहिए, तो हम किसके आने की बात कर रहे हैं? लड़कियां. जस्ट अपोजिट, उसको छोड़ दो. अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल, 4 ग्रीन मार्बल. कैगो मार्बल हो गया? 17 मार्बल हो गया. वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स रैंडमली, रैंडमली मतलब ऐसे ही यूं ही निकाल लिया. रेड आने का 5/17, व्हाइट का 8/17, नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन बोलेगा तो ग्रीन छोड़ के बाकी दोनों को जोड़ दो 13/17. समझ गए? पिगी बैंक जानते हो, पहले हम लोग के पास आता था इस तरीके से, उसका शेप भी याद है ऐसे ऊपर में. ऐसे रहता था ना, और यहाँ पे छेद था. इसका स्टोरी ये होता था कि हम लोग शुरू शुरू में तो सिक्का डाल देते थे, लेकिन जब जरूरत पड़ता था तो फिर इस छेद को हल्का सा बड़ा करते थे और फिर ऐसे पिन से एक एक करके निकालते थे. फिर मम्मी चाहे भाई लोग डालते जाता था, हम एक एक करके निकालते जाते थे. और लोग सोचता था पूरा एक साल में अभी तक ये भरा का है नहीं, जबकि इतना सिक्का इसमें डाल दिए. और इसमें से चोरी करने से एक फ़ायदा और था कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम कितना निकालें, है ना. लास्ट में फैमिली वाले मेंबर क्या होते थे, गुस्सा करके भरने से पहले ही इसको फोड़ देते थे और फिर पूरा गुल्लड़ निकल जाता था. पिगी बैंक, तो कह रहा है कि एक पिगी बैंक है जिसमें 50 पैसे का कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है और 2 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये का भी कॉइन है. दिया हुआ है कि 50 पैसे का जो कॉइन है
कितना है? 100। एक रुपये का 50, और दो रुपये का 20, और पाँच रुपये का 10। बताया तो गुल्लड़ में टोटल कितना पैसा है? 60। अब गुल्लड़ में कितना पैसा है वो भी तुम लोगों को नहीं आएगा। चलिए अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। गुल्लड़ में सारा पैसा आपस में होच पोच तरीके से मिला हुआ है, एक रैंडमली निकालना है। बोल रहा है कि विल बी अ 50 पैसा क्वाइन, 50 पैसे का क्वाइन होगा अगर एक रैंडमली सेलेक्ट किए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहले टोटल क्वाइन कितने हैं? टोटल क्वाइन पूछे, उससे पैसे से मतलब नहीं, क्वाइन तो 150, 180 क्वाइन है। 180 क्वाइन में 50 पैसे का कितना क्वाइन है? 100। तो 50 पैसे का प्रोबेबिलिटी हो गया 100/180, कट गया 5/9, है ना। और बोल रहा है विल नॉट बी रुपीज 5 क्वाइन, 5 का क्वाइन नहीं होना चाहिए। तो 5 का क्वाइन नहीं होना चाहिए तो इसको छोड़ दो, इन तीनों को ऐड कर दो, कितना 170/17/18। क्लियर है? वैसे दिया हुआ गोपी बाय फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। 5 मेल है और 8 फीमेल है, उसमें से मेल फिश आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अब ऐसा क्वेश्चन तो आप समझ ही गए, टोटल 13 है तो 5/13 होगा। वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कि इस तरीके से ऐसे करके नंबरिंग लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब निशाना आपको लगाना है, निशाना 8 पे लगेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। टोटल कितना है? 8। उसमें से 8 कितना है? 8। तो 1/8। ऑड नंबर पे लगेगा 8 पे, देखो 8 तो 1 है तो 1/8, और ऑड नंबर कितना है इसमें? ऑड नंबर कितने हैं ये पूछे आपसे? 4। कौन कौन सा? 1, 3, 5, 7। तो ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी हो गया आपका 4/1:2। नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर होना चाहिए। ये हो सकता है 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो सकता है। 6/3:2। लेस देन 9, नंबर 9 से कम होना चाहिए, तो सब होगा 8/8, है ना। कार्ड से तो एकदम अलग से ही आपको पढ़ाएंगे। देखिए 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विथ 132 गुड वंस। गलती से 12 जो डैमेज पेन था 132 अच्छे पेन से मिक्स हो गया। अब पता नहीं कि उसमें से कौन डैमेज और कौन सा अच्छा। आप खुद जानते हो कि आपके पास रखा रहता एक पेन ख़त्म हो गया और एक पेन में रिफिल है, लेकिन जब तक लिख नहीं दो, उसको चलाओ नहीं, तब तक पता नहीं चलता कौन सही और कौन खराब है। तो कह रहा है 1 पेन टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द दिस लॉट डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जैसे ही खराब पेन अच्छे पेन के साथ मिला दिए, टोटल पेन कितना हो गया? 144 में अच्छे पेन कितने हैं? तो लिखो 132/4। समझे?
फिर वैसे ही दिया हुआ कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब, बस 20 बल्ब है उसमें से 4 जो है डिफेक्टिव है. वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव. वाह बेटा, डिफेक्टिव बल्ब होना चाहिए, तो 4 ही डिफेक्टिव बल्ब है ना, तो 4/20. सपोज द बल्ब ड्रॉन इन अ लॉट इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस. नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव. मतलब कहा गया कि 20 बल्ब था, इसमें से एक बल्ब को निकालें और गलती से या जो भी मानिए वो डिफेक्टिव नहीं था और उसको हम रिप्लेस भी नहीं किए, मतलब वापस उसको रखे भी नहीं. अब फिर से जो बल्ब बचा हुआ है उसमें से एक बल्ब निकालें, वो डिफेक्टिव नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो अब तो 19 बल्ब बचा, उसमें से डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव कितना बचा, 15. तो 16 जो बल्ब था वह सही था, 4 डिफेक्टिव था, तो सही बल्ब कितना बचा, 15, क्योंकि एक सही बल्ब को हम बाहर रख चुके हैं, तो 15/19. समझ में आया नहीं आया. जैसे 20 बल्ब था उसमें 4 डिफेक्टिव था, 16 सही बल्ब था, एक बल्ब को निकाले, गलती से वह सही बल्ब निकल गया, उसको रख लिए. तो अब आपके पास 19 बल्ब बचे ना, उस 19 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव है, ये कन्फर्म है कि जो बल्ब निकाले वो डिफेक्टिव नहीं है, तो बाकी जो 4 है डिफेक्टिव वाला उसी में मिला हुआ, तो नॉट डिफेक्टिव कितना बचा उसमें, 15. तो उसकी प्रोबेबिलिटी 15/19. अ बॉक्स कंटेन 9 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 से 90, 1 से लेकर 90 तक लिखा हुआ है, ठीक है. उसमें से मान ले कि लिखा हुआ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ 2-digit नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ नंबर डिविजिबल बाय 5. एक बॉक्स के अंदर डिस्क है, डिस्क पे नंबर लिखा हुआ 1 से लेकर कहाँ तक 90 तक, तो टोटल नंबर हो गया 90, ठीक है. कभी कभी बोलेगा कि मान लिए कि 2 से लेकर 90 तक लिखा हुआ, तब नंबर ऑफ डिस्क कितना होता, 2 से 90 तक लिखा हुआ तो 89 होगा. अगर नंबर देखो यहां से शुरू होकर यहां तक जाए ना, नंबर निकालना और टोटल, तो इसमें से इसको माइनस कर दो और फिर एक ऐड कर दो, ठीक है. लेकिन अब 1 से 90 तो टोटल 90 डिस्क हुआ. अब कह रहा है कि उसमें से अ 2-digit नंबर, तो 2-digit नंबर आपका स्टार्ट कहां से होता है, 10 से, और एंड कहां पे, तो बीच में 1-digit आपका कितना बचा, 1, 2, 3, 4, 5, 9. 9 हटा दीजिए, 9 हटा दीजिए तो बचा कितना, 90 में से 9 हटा दिया तो बचा कितना, 81. 81 बाय 2-digit का नंबर कितना हुआ, 81/90. परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 से लेकर 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है, 9, 16, 25, 36, 49, 64. थोड़ा जंप मारोगे आपका गलत हो जाएगा, टोटल कितना आया है, 9/90, 1/10. अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 5, 10, 15, 20 ऐसे करके 18 नंबर आएगा, 18/90, 1/5. क्लियर, आप इसको ट्राई करना, पूरे को ट्राई करना, आगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा, यही भी ना आपके आर एस अग्रवाल का बुक होगा उसमें प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन होगा, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन छोड़ करके बाकी जो भी क्वेश्चन होगा उसको तुम ट्राई करोगे और नेक्स्ट क्लास में फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. और अगले क्लास में हम आपको कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी बता देंगे, ठीक है.